आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक्टर शाहिद कपूर के बारे में। दोस्तों, शाहिद कपूर की बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कैसी थी और कितनी मूवी हिट दिए, कितनी फ्लॉप दिए, आज हम सब जानेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर एक में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म इश्क विश्क। दोस्तों, इश्क विश्क मूवी 9 मई 2003 में आया था। शाहिद कपूर अपनी करियर यानी डेब्यू किया था इस फिल्म से। इस फिल्म का बजट था 5 करोड़, कलेक्शंस किया था 13 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी एवरेज। नंबर दो में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म फिदा। दोस्तों, फिदा मूवी 20 अगस्त 2004 में आया था। इस फिल्म का बजट था 10 करोड़, कलेक्शंस किया था 16.9 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर तीन में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म दिल मांगे मो। दोस्तों, दिल मांगे मो मूवी 31 दिसंबर 2004 में आया था। इस फिल्म का बजट था 7 करोड़, कलेक्शंस किया था 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर चार में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म दीवाने ये पागल। दोस्तों, दीवाने ये पागल मूवी 25 नवंबर 2005 में आया था। इस फिल्म का बजट था 20 करोड़, कलेक्शंस किया था 26.5 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर पांच में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म वह लाइफ हो तो ऐसी। दोस्तों, वह लाइफ हो तो ऐसी मूवी 23 दिसंबर 2005 में आया था। इस फिल्म का बजट था 12 करोड़, कलेक्शंस किया था 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी बिलो एवरेज। नंबर छह में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म शिखर। दोस्तों, शिखर मूवी 30 दिसंबर 2005 में आया था। इस फिल्म का बजट था 14 करोड़, कलेक्शंस किया था 10 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर सात में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म 36 चाइना टाउन। दोस्तों, 36 चाइना टाउन मूवी 5 मई 2006 में आया था। इस फिल्म का बजट था 19 करोड़, कलेक्शंस किया था 38 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सेमी हिट। नंबर आठ में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म छुप छुप के। दोस्तों, छुप छुप के मूवी 9 जून 2006 में आया था। इस फिल्म का बजट था 12 करोड़, कलेक्शंस किया था 26 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी एवरेज। नंबर 9 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म विवाह। दोस्तों, विवाह मूवी 10 नवंबर 2006 में आया था। इस फिल्म का बजट था 8 करोड़, कलेक्शंस किया था 53 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी ब्लॉकबस्टर। नंबर 10 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म फूल एंड फाइनल। दोस्तों, फूल एंड फाइनल मूवी 1 जून 2007 में आया था। इस फिल्म का बजट था 24 करोड़, कलेक्शंस किया था 27 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 11 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट। दोस्तों, जब वी मेट मूवी 26 अक्टूबर 2007 में आया था। इस फिल्म का बजट था 15 करोड़, कलेक्शंस किया था 60 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी हिट। नंबर 12 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म किस्मत कनेक्शन। दोस्तों, किस्मत कनेक्शन मूवी 18 जुलाई 2008 में आया था। इस फिल्म का बजट था 27 करोड़, कलेक्शंस किया था 22 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 13 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म कमीनी। दोस्तों, कमीनी मूवी 14 अगस्त 2009 में आया था। इस फिल्म का बजट था 35 करोड़, कलेक्शंस किया था 71 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सेमी हिट। नंबर 14 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म दिल बोले हादिपा। दोस्तों, दिल बोले हादिपा मूवी 18 सितंबर 2009 में आया था। इस फिल्म का बजट था 28 करोड़, कलेक्शंस किया था 25 करोड़।
बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 15 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म चांस पे डांस। दोस्तों चांस पे डांस मूवी 15 जनवरी 2010 में आया था। इस फिल्म का बजट था 29 करोड़, कलेक्शंस किया था 16 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी डिजास्टर। नंबर 16 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म पाठशाला। दोस्तों पाठशाला मूवी 16 अप्रैल 2010 में आया था। इस फिल्म का बजट था 14 करोड़, कलेक्शंस किया था 17 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 17 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म बदमाश कंपनी। दोस्तों बदमाश कंपनी मूवी 7 मई 2010 में आया था। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़, कलेक्शंस किया था 53 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सेमी हिट। नंबर 18 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म मिलेंगी मिलेंगी। दोस्तों मिलेंगी मिलेंगी मूवी 9 जुलाई 2010 में आया था। इस फिल्म का बजट था 12 करोड़, कलेक्शंस किया था 12 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 19 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म मौसम। दोस्तों मौसम मूवी 23 सितंबर 2011 में आया था। इस फिल्म का बजट था 40 करोड़, कलेक्शंस किया था 35 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 20 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म तेरी मेरी कहानी। दोस्तों तेरी मेरी कहानी मूवी 22 जून 2012 में आया था। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़, कलेक्शंस किया था 54 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी एवरेज। नंबर 21 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो। दोस्तों फटा पोस्टर निकला हीरो मूवी 20 सितंबर 2013 में आया था। इस फिल्म का बजट था 55 करोड़, कलेक्शंस किया था 70 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 22 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म आर राजकुमार। दोस्तों आर राजकुमार मूवी 6 दिसंबर 2013 में आया था। इस फिल्म का बजट था 58 करोड़, कलेक्शंस किया था 100 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी हिट। नंबर 23 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म हैदर। दोस्तों हैदर मूवी 2 अक्टूबर 2014 में आया था। इस फिल्म का बजट था 35 करोड़, कलेक्शंस किया था 98 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी एवरेज। नंबर 24 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म शानदार। दोस्तों शानदार मूवी 22 अक्टूबर 2015 में आया था। इस फिल्म का बजट था 46 करोड़, कलेक्शंस किया था 75 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 25 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब। दोस्तों उड़ता पंजाब मूवी 17 जून 2016 में आया था। इस फिल्म का बजट था 34 करोड़, कलेक्शंस किया था 100 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सेमी हिट। नंबर 26 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म रंगून। दोस्तों रंगून मूवी 24 फरवरी 2017 में आया था। इस फिल्म का बजट था 80 करोड़, कलेक्शंस किया था 41 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी डिजास्टर। नंबर 27 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म पद्मावत। दोस्तों पद्मावत मूवी 25 जनवरी 2018 में आया था। इस फिल्म का बजट था 190 करोड़, कलेक्शंस किया था 572 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 28 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू। दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू मूवी 21 सितंबर 2018 में आया था। इस फिल्म का बजट था 50 करोड़, कलेक्शंस किया था 56 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 29 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह। दोस्तों कबीर सिंह मूवी 21 जून 2019 में आया था। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़, कलेक्शंस किया था 379 करोड़।
बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 30 में आ जाते हैं शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी। दोस्तों जर्सी मूवी 22 अप्रैल 2022 में आया था। इस फिल्म का बजट था 95 करोड़। कलेक्शंस क्या था 27.9 करोड़। बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी डिजास्टर।